मैं बेसिकली जो बिलोंग करता हूँ वो बक्सर बिहार से बिलोंग करता हूँ, और जो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप है वो नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, थैंक्स और मिज़ोरम में मैं जन्मा हूँ। स्कूलिंग तक मैं डिफेंस में ही रहकर पढ़ा हूँ, तो फिर क्योंकि जो सपना था अब उसे लेकर चलना तो था ही आगे, तो 2005 के बाद मैंने वो एरिया छोड़ा, नॉर्थ ईस्ट छोड़ा। मैंने काफ़ी कुछ जद्दोजहद की कि मैं म्यूज़िक को परस्यू करूँ आगे, लेकिन कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही थी, मतलब संजोग नहीं हो पा रहा था ऐसा। तो फाइनली मैं ग्रेजुएशन प्लस म्यूज़िक परस्यूइंग के लिए मैं वहाँ से बाहर निकला, और फिर फाइनली गिटार के बेसिक्स मैंने कुछ सीखे, और दिल्ली साउंड इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैं 2012 1 फरवरी को मुंबई आ गया। ओके, जितनी आसानी से आप कह रहे हैं शायद उतनी आसानी से ही हुआ वो सब कुछ। मुंबई आने के बाद कितनी जद्दोजहद रही, क्या गए और काम मिल गया, या संघर्ष रहा, और संघर्ष रहा तो किस तरह करा? देखिए, संघर्ष तो हर किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो करना तो पड़ता ही है, जो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो हालांकि वो चीज़ें मैंने बड़ी आसानी से कह दी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता नहीं तो हाँ, संघर्ष तो करना पड़ा। मैं आया यहाँ पे, आने से पहले मैंने दिल्ली, मेरे पास कोई और ज़रिया नहीं था जिससे मैं कांटेक्ट बनाऊँ, तो फेसबुक के थ्रू मैंने बहुत सारे, मतलब 3 4 महीने कुछ ऐसे लग के कॉन्टेक्ट्स बनाने को, इसके अच्छा ये डायरेक्टर इनके नाम के आगे, चलो ठीक है इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ कॉन्टेक्ट्स बनाए, कुछ लोगों से फ़ोन पे बातचीत की, और फिर फाइनली मैं मुंबई आया। 3 महीने तक मैंने मेहनत उन्हें की, और फिर फाइनली मीटिंग की, मैंने मीटिंग्स की, लोगों से मिलना, कोशिश, ये सब चीज़ें, डायरेक्टरी से मैं कॉल करता था रैंडमली, तो ये सब चीज़ें चलती रहीं, और फिर वो वर्क नहीं करा, उसका कोई आउटकम नहीं आया। तो जब मुझे लगा कि यार मुझे पैसे की ज़रूरत है, अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने एक रेस्टोरेंट ज्वाइन किया। तो 1.5 महीने मैंने जॉब करने के बाद फिर मैंने सैलरी ली, छोड़ा, और कुछ पैसे घर मम्मी को भेज दी, और फिर फाइनली खुद से ये प्रॉमिस की कि जो भी करूँगा, जो भी अर्न करूँगा, वो 1 रुपये चाहे क्यों ना हो, वो म्यूज़िक से ही अर्न करना है मुझे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे म्यूज़िक अरेंजर का कुछ ऐसा काम मिला, तो हालांकि मेरा फोकस जो मेनली था वो मोर ऑफ कंपोजिशन पे था, तो लेकिन मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन थी मेरी, तो मैंने कहा कि ठीक है ट्राई करने में क्या जाता है, मैं करता हूँ। हालांकि म्यूज़िक प्रोडक्शन के कोर्स तो किया था मैंने, साउंड इंजीनियरिंग के साथ म्यूज़िक प्रोडक्शन का भी था, तो मैंने वो काम किया और समहाउ इट वर्क। तो फिर फाइनली मैं छोटे मोटे ऐसे काम करने लगा, म्यूज़िक से मेरी अर्निंग होने लगी, तो चीज़ें चल रही थी। 2013-14 के बीच में थोड़ा हार्श फेस भी था, लेकिन सब ओवरकम करने के बाद 2016 की बात है, मैं सोच रहा था कुछ रिलीज़ हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा था। तभी अचानक मेरे एक सर हैं, मेरे मेंटर कह सकते हैं आप, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मिस्टर मनोज राजदत्त, तो उनका मुझे कॉल आता है 4 अक्टूबर को कि वो इस टॉयलेट फिल्म में एज एन एसोसिएट डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, उन्होंने कहा कि जिस जिस हालत में हो पहुंच जाओ, ये एड्रेस दे रहा हूँ। तो मैंने पूछा सर क्या है, बोले मूवी है, बड़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, आ जाओ। तो उन्होंने मुझे, मैं गया, तब मुझे जाके पता चला अक्षय सर की मूवी है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत है, मतलब समथिंग एफिलेटेड टू दैट, और ये सब चीज़ें हैं। और डायरेक्टर सर ने मुझसे काफ़ी अच्छे से बात की, उन्होंने पूछा क्या किया, मैंने कहा सर मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है, सर्वाइव करने के लिए छोटे मोटे काम किए हैं मैंने। तो उसके बाद सर ने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे कुछ लिरिक्स दिए, टाइटल सॉन्ग जो टॉयलेट का जुगाड़ जो है वो दिया था मैंने पहले, तो थोड़ा टेंस हुआ मैं देखने, क्योंकि लाइव अरेंजमेंट का पूरा फील था, और स्क्रैच लेवल पे भी आपको थोड़ा सा ऐसा करके देना पड़ता है अरेंज अरेंज। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, मतलब ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, तो मैंने कहा कि ठीक है सर मैं करके लाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मैं मोर देन 100% दूँ। मैं गया, मैंने पूरी गांव का जो मॉर्निंग का एम्बियंस होता है उसको उस गाने में भर दिया मैंने, मतलब जो भी सूफ फटकने की आवाज़, इस तरह की चीज़ें, ऐसे करके मैंने पूरा, मैंने कोशिश की कि मैं अपने सोल डाल दूँ, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूँ। नेक्स्ट डे मैं लेके गया और फिर गाना मेरा मतलब पेंडिंग पे था, फिर कुछ दिन बाद वो गाना फाइनल हुआ, तो इस तरह से चीज़ें हुई मेरे। रेस्टोरेंट में आपने काम किया, हाँ जी, उसके बारे में बताऊंगा क्या काम करा आपने वहाँ पे KFC में मैंने जॉब किया एज ए। था, जो नॉर्मल जो उसमें एम्प्लॉय होते हैं वो कैश पे या काउंटर पे या फ्लोर पे, 3 सेक्शन होता है, तो मैं कैश पे था, क्रशर पे, क्रशर बनाता था ड्रिंक्स एंड क्रशर्स,
हाँ मतलब गुनगुनाते रहता था खुद ही में, तो वो 1.5 महीने का पीरियड था मेरा। उसके अलावा और भी गाने आपने गाए हैं, कब आपको पता चला कि यू आर ऑन बोर्ड और ये गाने आप गा रहे हैं? ये इस टॉयलेट इसमें प्रेम कथा। नहीं, इसमें मैंने केवल अक्षय सर के साथ गाया है टॉयलेट का जुगाड़। बाकी मेरे दो गाने तो जैसे अजमत पगली जो है वो सोनू जी और श्रेया जी ने गाया है, और जो बखेड़ा है वो सुखविंदर जी और सुनिधि जी ने गाया है। तो ओके, जो आपने गाना गाया है उसी उस गाने की कुछ लाइनें हम कर देंगे। टॉयलेट का जुगाड़, जी ठीक है, उसे टॉयलेट एंथम भी कहा जा रहा है। मुझे तो बहुत खुशी है मेरे गाने को लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इस गाने में मूवी का पूरा सार है। थैंक यू। ओके, इतनी कामयाबी मिल रही है फिल्म को, और आप इसको अपना टर्निंग पॉइंट मानते हैं कैरियर में, और आगे किस तरह की प्लानिंग है आपकी? सर प्लानिंग तो सिर्फ यही है कि मन से पूरी आत्मा से काम करना है, अच्छा काम करना है, अपने लेवल से कोई कसर नहीं छोड़नी, कोई एक्सक्यूज नहीं देनी। और डेफिनेटली सर आप देखोगे कि ये जितना बड़ा ब्रेक है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, ये ड्रीम जो एक बोलते हैं ना, ड्रीम डेब्यू जो बोलते हैं, मेरी डेब्यू मूवी है ये, तो ड्रीम डेब्यू से बढ़ के है, मतलब तो इट्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ का। यहाँ से एटलीस्ट लोग, मैं थोड़ा रिकॉग्निशन तो मुझे मिल जाएगा, तो बस लोगों का प्यार मिल रहा है मेरे संगीत को। आगे क्या कुछ ऑफर वगैरह हैं आपको, आ रहे हैं लोग अप्रोच कर रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहेंगे? एक मूवी करी है मैंने अभी रिसेंटली, एक्सचेंज ऑफ वर, उसका टेंटेटिव नेम था, अभी कुछ चेंज हुआ है, 21 तारीख, 21 तारीख कुछ ऐसा कुछ है नाम, अभी चेंज हुआ। तो वो संजय मिश्रा जी है उसमें लीड में, तो वो भी संजोग से मथुरा के बैकड्रॉप पे ही है, और कॉमेडी मूवी है, फैमिली है, ड्रामा है, मस्त। तो इस मूवी में 4 गाने हैं, चारों में कर रहा हूँ प्लस बैकग्राउंड कर रहा हूँ। अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आपको? जो जो मेरे दोस्त यार हैं, तो जैसे कल आज मॉर्निंग की बात बोल रहा हूँ, मुझे फ़ोन करके मेरा जो कॉलेज फ्रेंड है वो बोलता है कि यार रात 12 बजे मैं सो गया था, रात 12 बजे से मुझे लोग ने कॉल करना शुरू किया। बोला क्यों? तो वो मुझे बधाई दे रहे हैं। तो बोला किस बात की? तो बोला कल, अरे 11-12 बजे पार हो गया, यानी 11 तारीख लग गया, तो बधाई दे रहे हैं कि भाई कल बहुत बड़ा दिन है। तो मतलब वो मुझे ये कह रहा था कि यार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि फेस्टिवल है कोई। तो उसका जो उसकी जो फीलिंग्स थी, और उसको उसने जिस तरह से चीज़ें एक्सपीरियंस किया और एक्सप्रेस किया ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मतलब ये आप सोचिए, मतलब मेरी मेरी जो छोटी सी सक्सेस कह सकते हैं, उससे लोग इतना टच है कि वो उसको फेस्टिवल वाला फील लोगों ने करा दिया। तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि जिस फिल्म का आपने जिक्र किया संजय मिश्रा वाला, उसमें क्या एज ए कंपोजर, एज ए सिंगर, या उसमें एक गाना एक रोमांटिक ट्रैक में गा रहा हूँ, और बाकी 4 गाने हैं, तो एक रोमांटिक ट्रैक है वो मैं गा रहा हूँ और बैकग्राउंड कर रहा हूँ। मैं टॉयलेट एक प्रेम कथा में फिर आता हूँ। हाँ जी सुखविंदर जी ने जो गाना गाया वो क्या आप गुनगुना दें? ज़रूर, बखेड़ा है उसका नाम। धन्यवाद। किसी एक शख्स को अपनी इस पूरी जर्नी के लिए अगर आप थैंक यू बोलना चाहें तो किसे कहना चाहें? देखिए अगर एक शख्स तो मतलब कैसे, हाँ अगर मुंबई में मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा श्रेय मैं मनोज राजदत्त जी जो हैं, जो मेरे सर हैं, मेरे मतलब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मेंटर हैं, मैं उनको सबसे पूरी आत्मा से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके थ्रू ही मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ था, मतलब मैं मिला था। फैमिली ने कैसा रेस्पॉन्ड दिया? जहाँ से आप हैं, जिस जगह पर रुकते हैं, वहाँ लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? एक जद्दोजहद करने के लिए, एक संघर्ष करने के लिए आपने यहाँ रुख किया था, अब उन सब की क्या प्रतिक्रिया है जब आप इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा हैं, एक कामयाब गाने का हिस्सा? एक छोटी सी बात बता देता हूँ, उससे आपको शायद अंदाज़ा लग जाएगा कि मतलब मेरी मेरी जो मेरे फादर नहीं है, मेरी मॉम है, मेरी नानी जी हैं सब। तो एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक माँ के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। वो मेरा जो इंटरव्यू प्रभात खबर में छपा था, ये बक्सर में छपा था, तो मेरी मम्मी ने उसका कटिंग निकाल के वो पेपर का, और उसे लेमिनेट करके फ्रेम करके रखा हुआ। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू।